पहले भी रीड किया है चैप्टर, हाफ चैप्टर हमने रीड किया था, नेक्स्ट हाफ हम आज रीड करेंगे। ओके, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने रीड किया था, नेक्स्ट हम आज रीड करेंगे। ओके, सो ओपन योर बुक। कहां तक पढ़ा था हमने कि जो पिगलेट्स हैं, पिग के जो बेबी है वो मड में, वो जो पिग है वो भी इस मड में, एक मड में मिट्टी में क्या करती थी, रोल बॉल नीचे लेट रही थी, घूम रही थी। ओके, ग्लाइडर हेल्प्स अस कैरी। ग्लाइडर क्या होता है? लकड़ी का एक गाड़ी, जैसे लकड़ी, जैसे गाड़ी होती है लकड़ी की बनी हुई होती है, उसको हम चीजें यहां से वहां पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। राइट ग्रैंडपा, ये बच्चों ने ग्रैंडपा से कहा कि ठीक है ना, यू आर राइट, हाँ तुम सही बोल रहे हो। टीना ग्लाइडर्स टू पुल्स कार्ट्स दैट कैरी एग्स। टीना ग्लाइडर्स को हम धक्का मारते हैं, कार्ट का जो कार्ट के पीछे जो लगी होती है, कैरी एग्स, एग्स को इधर से उधर ले जाने में, फूल एंड वेजिटेबल्स को धक्का मारते हैं। अब हम उस ग्लाइडर, उस कार्ट को किस चीज में यूज करते हैं, उस लकड़ी की गाड़ी को किस चीज में यूज करते हैं, एग, वेजिटेबल, गूस और उन सब सामान को मार्केट तक ले जाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज। देयर इज डूडल द डक। अब वो मिलने आए किसके? डक, जिसका नाम क्या है? डूडल। लुक, शी इज स्विमिंग टुवर्ड्स यू विद हर डकलिंग्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो वो कैसे वहां स्विम कर रही है, आगे की तरफ उसके जो बेबी हैं, छोटे छोटे जो डकलिंग्स हैं, जो डक के बेबी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डकलिंग्स। वो उनके आगे आगे, डक के आगे आगे स्विम कर रहे हैं, वो उनके पीछे पीछे कर रही है ताकि वो उनकी केयर कर सके, उनका ध्यान रख सके। ओके, ग्रैंडपा वेयर आर द शीप। अब उन्होंने पूछा, बच्चों ने ग्रैंडपा से पूछा कि शीप कहाँ है। दे आर विद द शेयरर, ही इज शेयरिंग देम। अब क्या कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है, कि वो वहां पे है जहां पे हम उनकी जो वूल होती है, उनकी बॉडी पे, स्किन पे जो वूल होती है उसको कट करना, ठीक है, उसको निकालना। ही शेयरिंग देम, और वो क्या कर रहे हैं, उनको निकाल रहे, जो उनकी जो वूल होती है, उनकी स्किन, स्किन के ऊपर जो उनके हेयर होते हैं उससे क्या बनती है, वूल बनती है ना, तो उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उनकी स्किन से। ग्रैंडपा एंड द किड्स देन गो फॉर अ राइड ऑन द ट्रैक्टर। अब ग्रैंडपा और बच्चे कहां पे गए? राइड पे, ट्रैक्टर पे बैठ के गए राइड घूमने के लिए, ठीक है। दे सिंग अलोंग एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। फिर उन सबने एक साथ गाना शुरू किया और बहुत मजे किए, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, समझ आया आपको कि बच्चे कहां जाते हैं, अपने ग्रैंडपास के फार्म में जाते हैं और वहां पे सभी एनिमल्स से मिलते हैं, पूछते हैं कि कौन एनिमल क्या कर रहा है, ठीक है, देखते हैं उनको, उनके साथ एंजॉय करते हैं, फिर ट्रैक्टर पे जाते हैं अपने ग्रैंडपा के साथ और गाना गाते हैं एक साथ एंड एंजॉय करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर। अब जहां तक, जहां से हमने स्टार्ट किया और जहां एंड किया, वहां तक आपको पूरा प्रॉपर रीड करना है, ओके, उसको समझना है। तो उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने रीड किया, क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट, ग्लाइडर, डकलिंग्स, शेयरर, ट्रैक्टर एंड स्विमिंग। क्लियर? तो इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको अच्छे से रीड करके देखना, इनकी स्पेलिंग लर्न करनी। क्लियर? नोटबुक में समझ आ गया आपको? एंड रीड योर चैप्टर प्रॉपर। ओके, बाय बाय।